जी मैडम, कौन से फ्लोर पे जाना है? तुझे क्या लेना देना, मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी आऊँ तो होता कौन है मुझसे पूछने वाला? मैडम मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे सब पूछना होता है, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड है, औकात में रह अपनी, सोसाइटी का चेयरमैन या ओनर बनने की कोशिश मत कर। ठीक है मैम, सॉरी गलती हो गई। साले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। अच्छा 12वें फ्लोर पे। अच्छा ये तो रिमशा दीदी का फ्लैट है, और ये यहाँ कहीं चिराग भैया, रिमशा दीदी को बताना पड़ेगा। हेलो दीदी, आपके फ्लैट पे ना वो लड़की आई है जिसे अभी आपने 15 दिन पहले मार के भगाया था। क्या तूने रोका नहीं उसे? नहीं मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मैं थप्पड़ मार दिया, बोल दिया तू सिक्योरिटी गार्ड है अपनी औकात में रख। तुझे थप्पड़ मार दिया? हाँ। चल ठीक है मैं आती हूँ, तू उस पर निगाह रखियो। ठीक है दीदी। इसे तो मैं बताती हूँ। अभी गई तो नहीं है ना वो? नहीं दीदी अभी अंदर ही है। तुझे शर्म नहीं आती? अभी 8-10 दिन पहले तुझे मार के भगाया था, फिर भी तू मेरे पति के पास आके चिपक गई, तुझे शर्म नहीं आती? अपना घर तो तू बसा नहीं रही और दूसरे का घर तो उजाड़ने में तुली हुई है, और तुम कैसे मुंह लटकाए खड़े हो? तुमसे कितनी बार कहा है दुनिया में कहीं भी जाके मुंह मार लिया करो, पर इस नागिन से दूर रहा करो, ये तुम्हें भी डस लेगी और इस घर को भी। रिमशा वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ऑफिस का कुछ काम था उसकी वजह से ही आई। अगर ऑफिस का काम है तो ऑफिस में क्या करो ना, ऑफिस में तो रंग रलिया मनाते ही हो, अब घर में भी इसको बुला लिया। चिराग तुम्हारे इन हरकतों की वजह से ना तुम्हारा बिजनेस ठप होता जा रहा है, या तो सुधर जाओ वरना आगे जाके ना बहुत पछताओगे। तू निकल यहाँ से जल्दी, सुना नहीं देता तुझे, जा यहाँ से। चिराग अब आज के बाद ये लड़की घर में क्या, मुझे ऑफिस में भी नजर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा तुम कोई और लड़की रख लो ऑफिस पे, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा।